ये नगर परिषद के सारे अधिकारियों ने, हमारे चेयरपर्सन ने और मैंने मिल बैठ के सलाह की थी कि हम वर्चुअल बैठ के उद्घाटन कर देंगे, हम कहीं साइड पे नहीं जाएंगे। मगर पता नहीं उनको क्या भ्रम पैदा हो गया कि यहाँ विधायक जी आने वाले हैं, तो उन्होंने कर दिया उद्घाटन। कोई नहीं, वो भी अपने भाई हैं, उनको भी अधिकार है, कर दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हांसी की आवाज मेरे साथ खड़े हैं आज हांसी के विधायक विनोद भ्याना जी, और जिन्होंने अभी अभी अधिकारियों की मीटिंग ली है, समस्त अधिकारियों की मीटिंग ली है। SDM साहब भी उनके साथ हैं, जितेंद्र अलावत। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रेनी सीजन आ रहा है, स्टॉर्म भी हुआ है पिछले दिनों और काफी खंभे टूटे हैं, क्या रेनी सीजन के अंदर हमारे पास पुख्ता प्रबंध है वाटर ड्रेन के, पानी की निकासी के? सर आज आपने मीटिंग भी ली है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राजीव जी, जैसा कि आपने कहा कि रेनी सीजन आ रहा है, आज इसी विषय पे ही विशेष तौर पे आप देखेंगे कि हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और पावर डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट और तीसरा नगर परिषद, ये तीन डिपार्टमेंट का विशेष रोल होता है पानी की निकासी के लिए। और जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए बिजली की भी जरूरत होती है। आज हमने पावर डिपार्टमेंट भी बुला रखा है, पब्लिक हेल्थ भी और नगर परिषद भी, ज्वाइंट मीटिंग है। हाँ, ज्वाइंट मीटिंग इसी रेनी सीजन के बारे में ही हुई है, तो सब ने मुझे विश्वास दिलाया कि हमारी पूरी तैयारियां हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। और मैं समझता हूं कि पहले हमारे शहर में काफ़ी समस्या रहती है पानी का इकट्ठा होने की, एक एक दिन पूरा 24-24 घंटे पानी खड़ा रहता है। अब की बार हमने कुछ पुख्ता प्रबंध किए हैं कि जो पानी, जहाँ जहाँ पानी खड़ा रहता था वहाँ हमने स्टॉर्म वाटर की लाइनें डलवा दी। आपने देखी भी होंगी, आपके साइड में भी, मुल्तान नगर कॉलोनी में भी लाइन डल के आई है स्टॉर्म वाटर की। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आधा अधूरा काम है, क्योंकि काम चल रहा है, इस सीजन में क्या लोगों को कुछ झेलना पड़ेगा? मैं आपको डली नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आपके साइड में अगर हम मुल्तान नगर कॉलोनी का जिक्र करें तो वो लाइन डल चुकी है, उसका कनेक्शन होना बाकी है। कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन अभी हमने एक्सीएन साहब को दिशा निर्देश दिए हैं, साइडों में जाली भी नहीं लगी। मैं बता रहा हूँ अभी लगभग मुझे लगता है कि अभी 10 दिन हमारे पास हैं, इन 10 दिन में जितनी लाइनें हमने डाल दी सबके कनेक्शन भी हो जाएंगे, सबके मेन होल भी बन जाएंगे, सब जालियां भी डल जाएंगी, ऐसा इन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है। और मैं भी पूरा आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से, जिस स्पीड से काम चल रहा है, मुझे विश्वास है कि जितनी लाइनें हमारी डल गई वो प्रॉपर चलेंगी और उनका कनेक्शन हो जाएगा। दूसरी, पेयजल समस्या बहुत है, कंटामिनेटेड वाटर आता है, दूषित पेयजल आता है, आपके पास भी शिकायतें आती होंगी, रोजाना मटके फोड़ते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जाकर, और टैंक्स की गाद नहीं निकली है आज तक, और पानी का जो बेड लेवल है, यानी कि जो वो पानी भी बहुत कम आ रहा है नहरों में, तो ये कैसे काम कर रहे हैं? अभी अगर हम पानी के, परसों भी दिखाया था, अभी आपकी अगर हम पानी की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले, अगर हम आज से एक हफ्ता पहले का जिक्र करेंगे तो हमारे पास पानी की बहुत कमी थी और राशनिंग से पानी दिया, राशनिंग से पानी दिया। और गाद भी आप वाली बात ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं 2009 में जब मैं विधायक बना, 50 साल में पहली बार हमने गाद निकलवाने का काम किया था, और 2009 से के बाद, उसके बाद फिर दोबारा गाद निकलवाने का किसी ने कोशिश नहीं की। अब की बार एक बार फिर हमने इस ओर कदम उठाया है और हमने लगभग ये केस अप्रूव करवा लिया और बहुत जल्दी हम टेंडरिंग कर देंगे इसकी गाद निकलवाने की। मगर ये जो एक महीना ये है, गर्मी का महीना है, इसमें ना तो हम गाद निकलवा सकते क्योंकि इस टाइम हम पानी की राशनिंग नहीं कर सकते, हर आदमी को पानी की बड़ी जरूरत है। तो आज हमारे पास टैंक सारे के सारे लबालब है, अभी मैं एक्सिन साहब से बात कर रहा था, अच्छा, तो ये कह रहे थे 90% पानी हमारे पास आ गया टैंकों में, अभी हमारे पास 2 दिन का समय और है, 2 दिन नहर और चलेगी तो टैंक हमारे लबालब हो जाएंगे। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप शहर के अंदर, यानी कि वार फुटिंग पे विकास कार्य करवा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि ये किसान क्यों नाराज हैं आपसे, जहाँ आपने दोनों जगह उद्घाटन करना था लाला हुकुमचंद जैन पार्क पे, तो वो आप ही की तो देन है, आपने पिछली योजनाएं बनाया था और इसमें इसका विस्तारीकरण किया था, और शहीद भगत सिंह पार्क पर भी आज उन्होंने अपने दोनों हाथों से रिबन काट दिया जहाँ आपने जाना था। ये तो देखो, मैं इसके बारे में कोई लंबा चौड़ा नहीं कहना चाहूंगा, ना तो मैंने उद्घाटन करना था, अच्छा, और ना ऐसी कोई प्रोग्राम बता रहे नहीं, वो चाहे कुछ बताएं, मेरा कोई उद्घाटन करने का प्रोग्राम नहीं था क्योंकि हमने काम करवाया है। हाँ, तो हमने आज नगर परिषद के सारे अधिकारियों ने, हमारे चेयरपर्सन ने और मैंने मिल बैठ के सलाह की थी कि हम वर्चुअल
बैठ के उद्घाटन कर देंगे, हम कहीं साइड पे नहीं जाएंगे, साइड पे नहीं जाएंगे। मगर पता नहीं उनको क्या भ्रम पैदा हो गया कि यहाँ विधायक जी आने वाले हैं, तो उन्होंने कर दिया उद्घाटन। कोई नहीं, वो भी अपने भाई हैं, उनको भी अधिकार है, कर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। एक लास्ट पर्सन पे बिल्कुल अटका हूँ कि अब 22 जून को एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे और SDM डॉक्टर जितेंद्र अहलावत इसका कार्यभार संभालेंगे जैसे भी है, इसमें क्या कोई रिट पिटीशन भी डली है क्या किसी की तरफ से? नहीं नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिट पिटीशन नहीं डली। नहीं डली। और जब किसी का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको रिटायर होना पड़ता है और उसकी जगह कोई ना कोई तो काम संभालता है। हमारे एसडीएम साहब काबिल हैं और बखूबी काम संभालेंगे। हाँ, और जब नए चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी तो जो नगर परिषद के नए चेयरमैन आएंगे वो अपना काम संभालेंगे। कोरोना कुछ कम हो रहा है और दुकानें भी खुल चुकी हैं, उसके बावजूद आप फिर भी लोगों को क्या हिदायत देना चाहते हैं और शहर के अंदर? मैं एक अनुरोध करूंगा सभी लोगों से, जब तक वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं हो जाती है जब तक आप लोग मास्क अवश्य लगाइए। अगर मास्क लगा लेते हैं तो हम वैसे ही जो है ना कोरोना से बचने में कामयाब हो जाएंगे। सैनिटाइजर का प्रयोग लगातार करते रहिए और मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन भी अवश्य करवाएँ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी है, मौका भी है। लोग कह रहे हैं तीसरी वेव आएगी, मैं चाहूँगा कि कम से कम 80 शहर तीसरी वेव से पहले पहले अगर सारा वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो कम से कम सुरक्षित रह सकते हैं। सर, पानी की निकासी के लिए आप भी उतने ही संजीदा हैं? पानी की निकासी के लिए मैं अधिकारी से बात की है और उम्मीद है कि पिछले साल से बेहतर व्यवस्था होगी और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि कहीं भी पानी नहीं खड़ा दिया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर। ये थे विधायक महोदय और डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, SDM दोनों से ही हमने बात की है और दोनों ने ही यानी कि अधिकारियों के साथ अपना एक इंट्यूशन बनाकर तारतम्य बनाकर उनसे बात की है और आने वाला समय देखेंगे कि रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है या नहीं झेलनी पड़ती है। देखते रहिए आशिक आवाज़, मैं मेरे सहयोगी रवि सैनिक के साथ।